हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, WPL 2023 के ऑलरेडी हो चुके हैं 7 मैचेस और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मैच 8 की, जो कि होने वाला है 10th of March 2023 शाम को 7:30 बजे ब्रैबन स्टेडियम मुंबई पर। और जिन दो टीम्स के बीच ये मैच होगा वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन और यूपी वॉरियर्स वुमेन। तो दोनों ही टीम्स वैसे तो काफ़ी अच्छी हैं, बट जैसा कि हमने देखा है आरसीबी अपने लास्ट के तीनों WPL के मैचेस में अब तक हारी है। वहीं यूपी ने दो मैचेस खेले हैं जिसमें से वो एक मैच में जीती है और एक मैच में हारी है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी या तो इस चौथे मैच में भी हार जाएगी या फिर यूपी की टीम एक मैच हारेगी और दो मैच जीतेगी अब तक WPL के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है दोनों में से, RCB या फिर यूपी वॉरियर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रिडिक्शन और विनिंग प्रिडिक्शन की भी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी अपडेट्स हम आपको वहीं पर देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है इस समय पर चल रहा है PSL का 15 लाख का, जिसमें से ऑलरेडी 11 से 12 लाख का प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया है। अगर आप भी करना चाहते हो तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे ब्रैबन स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ की पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग को काफ़ी फेवर करती है क्योंकि इसकी जो फ्लैट और स्मॉल बाउंड्रीज है उसकी वजह से हमारे बैट्समैन यहाँ पर अच्छे खासे शॉट्स लगाते हैं और 200 प्लस रन यहाँ पर आराम से बन जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं इस ग्राउंड पर, अच्छी खासी विकेट निकालते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं। वहीं जो डे मैचेज होते हैं वहाँ पर हमें स्पिनर्स जो हैं, हमारे स्पिनर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो भी अच्छी खासी विकेट निकालते हैं। साथ ही साथ ओशनिक कंडीशंस होने की वजह से हमारे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को ही सपोर्ट करता है यहाँ का ग्राउंड, बॉलर्स अच्छी खासी विकेट निकाल पाते हैं वहीं बैट्समैन हमारे 200 प्लस तक स्कोर बना ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो यहाँ पर देखोगे कोई भी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है कि पेसर्स ज़्यादा विकेट निकालते हैं या फिर स्पिनर्स, दोनों के दोनों इक्वल ही हैं। 50-50% दोनों ने विकेट्स निकाली है लास्ट के मैचेस में, तो आप समझ सकते हो कि पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए इस ग्राउंड पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की। तो अब तक WPL के इस ग्राउंड पर 3 मैचेस हुए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 2 जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 1 जीता गया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 193 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 170, हाईएस्ट टोटल यहाँ पर अब तक बनाया है दिल्ली कैपिटल्स वुमेन ने 223 का 2 विकेट्स के नुकसान पर। वहीं लोएस्ट यहाँ पर बनाए हैं अभी तक आरसीबी वुमेन ने ही 155 10 विकेट्स के नुकसान पर 18.4 ओवर्स में। तो आप देख सकते हो और आरसीबी ने ऑलरेडी एक मैच खेला है जहाँ पर उन्होंने लोएस्ट बना दिया है और अब यहाँ पर वो दूसरी बार अपना एक मैच खेलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हमारे पास कैप्टन स्मृति मंदाना जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसके बाद है कनिका हुंजा राइट हैंड बैट्समैन, ऋचा घोष विकेट कीपर है, सोफी डिवाइन राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर है, हीदर नाइट राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हमारी, एलसी पेरी राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, पूरम खेमनार है जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, श्रेयंका पाटिल है उनका ऑलराउंडर है यहाँ पर आप देखोगे। नेक्स्ट रेणुका सिंह है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है हमारी, मेगन है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, प्रीति बोस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है हमारी। तो ये हो गई हमारी आरसीबी की प्लेइंग 11। आगे बढ़ते हैं यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास किरण प्रभु जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, सिमरन शेख राइट हैंड बैट्समैन, एससी हेली जो कि कैप्टन है और विकेट कीपर है, साथ के बाद है ताहिला मेगार जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर है, दीप्ति शर्मा है लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर हमारी, श्वेता शहरावत है जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, देविका वैद्या लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर है हमारी, शबनम इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, सोफी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर ये भी, अंजलि श्रावणी है लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हमारी। तो ये हो गई यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जानेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 के स्टैट्स की रीसेंट मैचेस में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है ये हम जानेंगे। उसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर आरसीबी के लिए रन बनाएगा या विकेट निकालेगा ये सब।
तो वहीं स्मृति मंदाना जो कि कैप्टन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे 14 बॉल्स पे 18 रन्स आए हैं, 17 बॉल्स पे 23 रन्स और 5 बॉल पे 2 रन्स। तो आप देख सकते हो एवरेज सही परफॉर्मेंस रहा है कैप्टन साहिबा का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कनिका आहूजा, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट मैच में 7 बॉल पे 10 रन्स आए हैं, उससे पहले 1 बॉल पे 0 रन पे ही आउट हो गई थी। ऋचा घोष विकेट कीपर, 10 बॉल पे 10 रन है, उससे पहले 4 बॉल पे 2 रन, उससे पहले 17 बॉलों पे 14 रन। सोफी डिवाइन जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में 45 बॉल्स में 66 रन आए हैं, उससे पहले 11 बॉल्स में 16 रन, उससे पहले 11 बॉल्स में 14 रन। तो देख सकते हो अब तक के ओपनर्स की अगर बात करें, इनमें से चौथे नंबर पर जो बैटिंग करने आ रही हैं सोफी डिवाइन, उनकी तरफ से ही लास्ट मैच में अच्छे जो है रन्स आए हैं, बाकी उनकी तरफ से पहले अच्छे रन्स ज़्यादा नहीं आ रहे थे। वहीं बॉलिंग अगर सोफी डिवाइन की देखोगे आप लोग, तो एक ओवर में विकेट नहीं निकाली 11 रन्स दिए, एक ओवर में विकेट नहीं निकाली 20 रन्स दिए। तो देख सकते हो लास्ट मैच में ही सोफी ने थोड़े बहुत स्कोर बनाए थे, अदरवाइज बॉलिंग तो इनसे काफ़ी रिस्की हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स ये दे रही हैं अपने दोनों लास्ट मैचेस में जहाँ पर इन्होंने बॉलिंग कराई है। नेक्स्ट है हमारे पास हीदर नाइट, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 11 बॉल्स पे 30 रन्स बनाए हैं, उससे पहले 0 पर आउट हो गई थी, उससे पहले 21 बॉल्स में 21 रन्स बनाए थे। तो बैटिंग अच्छी कर रही है क्योंकि 11 बॉल्स में 30 रन्स काफ़ी अच्छा स्कोर है, बस इनको थोड़ी सी विकेट बचा के खेलना होगा ताकि ये देर तक टिके और ज़्यादा स्कोर अपनी टीम के लिए बना पाए। वहीं बॉलिंग देखोगे, बॉलिंग में काफ़ी अच्छा कर रही है, लास्ट मैच में 4 ओवर कराए थे, 2 विकेट्स निकाली और 17 रन्स दिए, 3 ओवर में 2 विकेट्स निकाली 40 रन्स दिए, 1 ओवर में विकेट नहीं निकाली 3 रन्स दिए। तो देख सकते हो हीदर नाइट बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है आरसीबी की टीम को। एलसी पेरी है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारी, इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो 25 बॉल्स में 32 रन्स आए हैं लास्ट मैच में, उससे पहले 7 बॉल में 13 रन्स आए हैं, उससे पहले 19 बॉल्स में 31 रन्स आए हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है एलसी पेरी की तरफ से, क्योंकि 3 मैचेस में से 2 मैचेस में इन्होंने 30 तक जो है पहुंचा दिया रन्स को, बट एक में 13 पर ही आउट हो गई थी। वहीं इनकी बॉलिंग देखोगे, लास्ट मैच में तो 4 ओवर कराए विकेट नहीं आई, 43 रन्स दिए, उससे पहले 1.2 ओवर कराए विकेट नहीं आई, 18 रन्स दिए, 3 ओवर कराए विकेट नहीं आई, 29 रन्स दिए। तो आप देख सकते हो कि बॉलिंग में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते एलसी पेरी पे, क्योंकि विकेट नहीं निकाल पाई है लास्ट के 3 मैचेस पे ही। वहीं बैटिंग में बोलेंगे तो ठीक ठाक है क्योंकि 2 मैचेस में 30 तक ये पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पूनम खेमनार जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है हमारी, तो इनकी तरफ से अभी तक बैटिंग कराई गई है, इनसे एक ही बार बॉलिंग अभी तक नहीं कराई गई है। तो एक बार जब ये बैटिंग करने आई है वहाँ पर आप देख सकते हो आरसीबी के लिए इन्होंने 4 बॉल में 2 रन बनाए और ये आउट हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं करेंगे, बट एक ही बार अभी इनका गेम देखने को मिला है तो एक ही बार में हम इन्हें जज नहीं कर सकते हैं कि ये रन्स बना नहीं सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास श्रियंका पाटिल जो कि ऑलराउंडर है, इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे आप, 4 बॉल्स में 11 रन्स है, 15 बॉल्स में 23 रन्स, 4 बॉल्स में 7 रन्स है। तो आप देख सकते हो एवरेज साइज स्कोर है, बहुत ज़्यादा तो स्कोर्स नहीं दिए हैं। वहीं बॉलिंग देखोगे, लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी है, 4 ओवर में 2 विकेट्स निकाल ली, 32 रन्स दिए, उससे पहले भी 4 ओवर कराए थे पर विकेट नहीं आई थी, 32 रन्स दे दिए थे। रेणुका सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है हमारी, यहाँ पर आप इनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे, 4 ओवर में 1 विकेट निकाली, 36 रन दिए, 3 ओवर में विकेट नहीं आई 28 रन, 3 ओवर में विकेट नहीं आई 24 रन। तो आप देख सकते हो सिर्फ लास्ट के मैच में इनका जो है विकेट आया है, अदरवाइज इससे पहले ही इनकी तरफ से विकेट नहीं आ पा रही थी। मेगन है नेक्स्ट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 3 ओवर कराए 1 विकेट निकाली 26 रन दिए, 4 ओवर कराए विकेट नहीं आई 32 रन, 4 ओवर कराए विकेट नहीं आई 45 रन। तो देख सकते हो इनकी तरफ से भी सेम परफॉर्मेंस रहा है रेणुका की तरह कि लास्ट के 2 मैचेस में विकेट नहीं निकाल पाई पर अभी जो लास्ट मैच खेला है रीसेंट वहाँ पर इन्होंने भी 1 विकेट निकाल ली है। प्रीति बोस जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाली थी, 3 ओवर डाले थे 47 रन दिए, उससे पहले 4 ओवर कराए 1 विकेट निकाली 34 रन दिए, उससे पहले 4 ओवर कराए विकेट नहीं आई 35 रन दिए। तो आप देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, एवरेज सही है, ओके था, बहुत अच्छा तो नहीं है। तो आप देख सकते हो आरसीबी के पास ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हो या फिर अपनी
जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका रोल है, वो अच्छे से निभा रहे हो। क्योंकि देखोगे बॉलर्स जो है विकेट नहीं निकाल पा रहे, जो रन लगाने के लिए बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, वो रन भी नहीं लगा पा रहे। साथ ही साथ ऑलराउंडर जो बॉलिंग कराने के लिए अच्छे हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी नहीं करा पा रहे। तो आप देख सकते हो कि आरसीबी के पास इतने सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे कि सोफी डिवाइन, हीदर नाइट, एलसी पेरी, साथ ही साथ स्मृति मंदाना है, मेगन है, रेणुका सिंह है, ये सभी के सभी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट आप देख सकते हो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा ये खेल रहे हैं। अगर इसी टाइप का ये खेलेंगे ना, तो आरसीबी आगे भी मैचेस हारने ही वाली है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ ये जीत नहीं सकते। वहीं एक दो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, जैसे आप देखोगे लास्ट मैच में सोफी डिवाइन ने 66 तक पहुँचा दिया, वहीं हीदर नाइट ने भी 30 और एलसी पेरी ने भी 32 बना दिया। तो यही तीन प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ से थोड़े से रन्स आए थे, आप देख सकते हो, क्योंकि बाकी प्लेयर्स की तरफ से 10 और 18 तक ही रन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आए हैं। तो ये हो गया हमारा रॉयल चैलेंजर्स के प्लेइंग 11 के स्टैट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 के स्टैट्स। तो किरण प्रभु की बात करें, लास्ट मैच में तो 2 रन खेले, दो बॉल पे 2 ही रन बना पाई, लेकिन उससे पहले 43 बॉल्स में 53 रन्स आए थे, उससे पहले 5 बॉल्स पे 7 रन्स आए थे। तो आप देख सकते हो एक WPL में अच्छे स्कोर बना लिए, पर एक में 2 ही रन बना पाई थी। सिमरन शेख राइट हैंड बैट्समैन लास्ट मैच में 4 बॉल पे 6 रन्स आए हैं, उससे पहले 0 पर आउट हो गई थी, उससे पहले 24 बॉल्स में 32 रन्स आए थे। लेकिन WPL में इस समय पर एवरेज ही बोलेंगे, क्योंकि देखोगे दोनों मैचेस में ही बहुत ज़्यादा स्कोर्स किया, 10 तक भी नहीं पहुँच पाई हैं ये। एल्सा हेली जो कि कैप्टन है, साथ ही साथ विकेट कीपर है, लास्ट मैच में 17 बॉल्स में 24 रन्स बनाए हैं, उससे पहले 8 बॉल में 7 रन, उससे पहले 20 बॉल में 18 रन्स बनाए हैं इन कितने। तो आप देख सकते हो जो हमारी कैप्टन साहिबा हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं आया है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस आया, क्योंकि आप देख सकते हो 24 तक ही पहुंची है एक मैच में सबसे ज़्यादा, अदरवाइज उससे पहले तो 18 और 7 ही बनाए हैं। ताहिला मेघात राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेली है, 50 बॉल्स में 90 रन्स तक पहुंच गई थी, उससे पहले तो 0 पर आउट हो गई थी और उससे पहले 1 बॉल पे 1 रन आया था और नॉट आउट रही थी। इनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 ओवर्स में 1 विकेट निकाली, 37 रन्स दिए, 2 ओवर में 1 विकेट निकाली, 18 रन्स दिए, 2 ओवर में विकेट नहीं आई और 17 रन्स दिए। तो आप देख सकते हो ताहिला मेघात वैसे तो ICC की T20 में टॉप रैंकिंग पर है, अच्छी प्लेयर है काफ़ी ज़्यादा, बहुत फेमस भी हैं, साथ ही साथ हम सबने इनका गेम देखा है कि काफ़ी अच्छा ये गेम खेलती है। बट आप देखोगे एक चीज़ कि WPL में सिर्फ लास्ट मैच में ही इन्होंने 90 तक बनाए हैं, अदरवाइज उससे पहले बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं आ रहा था। बट ये है कि बॉलिंग में ठीक ठाक कर लेती हैं, विकेट निकाल लेती हैं। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हमारी, लास्ट मैच में देखोगे 20 बॉल्स में 12 रन्स आए हैं, 16 बॉल्स में 11 रन्स, 17 बॉल्स में 20 रन्स, नॉट आउट रही थी। तो बैटिंग में तो ओके ही चल रही है इनकी परफॉर्मेंस, बट बॉलिंग में तो वो भी नहीं चल रही, क्योंकि 4 ओवर में विकेट नहीं आई, 40 रन्स दिए 4 ओवर में, विकेट नहीं आई 27 रन्स, 4 ओवर में 1 विकेट निकाली है 30 रन्स दिया। तो देख सकते हो लास्ट के दोनों WPL के मैचेस में विकेट इनकी तरफ से नहीं आई है, इनको पूरे पूरे 4 ओवर दिए गए बट स्टिल इनसे एक भी विकेट नहीं निकाली गई थी। नेक्स्ट है श्वेता शहरावत जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो 6 बॉल में 1 रन, 6 बॉल में 5 रन, 6 बॉल में 5 रन। तो देख सकते हो सिर्फ 6 ही बॉलें खेली अब तक इन्होंने अपने लास्ट के 3 मैचेस में, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं पा रही हैं, साथ ही साथ इन्हें बॉलिंग भी नहीं दी गई है अभी तक। तो देविका वैद्या लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गुगली बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में 21 बॉल्स में 23 रन आए हैं, 7 बॉल में 4 रन, 1 बॉल में 0 रन, नॉट आउट रही थी, एक ही बॉल खेल पाई थी। बट देख सकते हो कि लास्ट मैच में ही 23 तक पहुंच गई हैं, अदरवाइज उससे पहले तो कम ही स्कोर्स आए थे इनकी तरफ से। वहीं बॉलिंग देखोगे लास्ट के तीनों मैचेस में एक भी मैच में विकेट नहीं निकाली है, देखोगे लास्ट मैच में 2 ओवर कराए विकेट नहीं आई 24 रन, 2 ओवर कराए विकेट नहीं आई 16 रन, 1 ओवर कराया विकेट नहीं आई 12 रन। तो देख सकते हो तीनों मैचेस में इनको बॉलिंग कराई गई, दी गई, बट इनसे विकेट नहीं निकाली गई। शबनम इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 4 ओवर कराए 1 विकेट निकाली 29 रन्स दिए, 4 ओवर में 2 विकेट निकाली 26 रन दिए, 4 ओवर में 3 विकेट्स निकाली 27 रन्स दिए। तो देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी है इनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि लास्ट के तीनों मैचेस में अच्छी खासी विकेट इनकी तरफ से आई है। इससे पहले इनको जो है यूपी वॉरियर्स ने मैचेस नहीं खिलाए थे अपने दोनों, बट अब इनको एक मैच में इनको नहीं लिया गया था जो फर्स्ट मैच था, बट सेकेंड मैच में इनको लिया गया था और अब थर्ड मैच में भी लिया जाने वाला है, क्योंकि शबनम इस्माइल काफ़ी अच्छी बॉलर है,
काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराती हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है हमारी। लास्ट मैच में 2 ओवर्स कराए थे, 1 विकेट निकाली, 31 रन्स दिए, 4 ओवर कराया, विकेट नहीं आई 30 रन्स, 1 ओवर कराया, विकेट नहीं आई 5 रन्स दिए। तो देख सकते हो कि ठीक ठाक सही परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि हम सबको पता है वैसे तो राजेश्वरी गायकवाड़ काफ़ी जानी मानी खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, काफ़ी अच्छा खेलती है, अच्छी खासी विकेट भी निकालती है, बट इस समय पर जैसा इनसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आता। क्योंकि आप देखोगे 2 ओवर में इन्होंने 1 विकेट निकाली बट रन्स देखो 31 दिए हैं, कहाँ 4 ओवर में 31 रन जाते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, बट इन्होंने 2 ओवर में 31 रन दिए हैं, बट एक अच्छी चीज़ करी थी कि 1 विकेट आ गई थी इनके पास। नेक्स्ट है हमारे पास सोफी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है। लास्ट मैच में 4 ओवर कराए, 1 विकेट निकाली, 41 रन्स दिए, 4 ओवर कराए, 2 विकेट्स निकाले, 25 रन्स दिए, 4 ओवर कराए, 3 विकेट्स निकाली और 22 रन्स दिए। तो देख सकते हो सोफी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कंसिस्टेंट है, क्योंकि तीनों लास्ट के मैचेज में इन्होंने विकेट निकाली है, बट इनका भी थोड़ा सा जो है आप देखोगे कि फर्स्ट मैच में तो इन्होंने जो WPL का फर्स्ट मैच हुआ UP वॉरियर्स का, वहाँ पर तो इन्होंने 2 विकेट निकाली, बट लास्ट मैच में 1 ही विकेट निकाली, और WPL से पहले इन्होंने 1 मैच में 3 विकेट्स निकाली थी। तो WPL में भी 3-4 विकेट्स निकालेंगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, अगर 1-1 विकेट निकालेंगी 41 रन्स देंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अंजलि सालवनी लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हमारी, लास्ट मैच में 3 ओवर्स कराए, विकेट नहीं आए, 31 रन्स दिए, 4 ओवर में 1 विकेट निकाली, 43 रन्स दिए, 3 ओवर में विकेट नहीं आई, 25 रन्स दिए। तो देख सकते हो 3 में से सिर्फ 1 मैच में ही विकेट आई है इनकी तरफ से, बाकी 2 मैचेस में विकेट नहीं आई है। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो आप देखोगे कि एल्सा हैली की तरफ से भी, जो कैप्टन है हमारी, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा रन्स तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत ही आ रहे हैं। ताहिला हैं, अच्छी प्लेयर हैं, दीप्ति हैं, उसके बाद देविका वैद्या हैं, साथ ही साथ इस्माइल हैं, शबनम इस्माइल, राजेश्वरी गायकवाड़, सोफ़ी। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करके टीम को जितवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो विकेट कीपर में हमने एल्सा हेली को लिया है जो कि कैप्टन भी है टीम की, साथ ही साथ बैटर्स में हम लोग लेंगे किरण प्रभु और स्मृति मंधाना को, ऑलराउंडर्स में ताहिला मेकार्थ को लिया है, कैप्टन बनाया गया है, दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन, सोफी डिवाइन और हीदर नाइट, चारों का परफॉर्मेंस देखा है, अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस आ रही है इनकी तरफ से। बॉलर्स में देखोगे मेगन है, रेणुका सिंह है, शबनम इस्माइल और सोफी एलेक्सटोन है। तो ये हो गई है हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइज एक चीज़ सुन लो कि अगर प्लेइंग इलेवन में कोई चेंजेस वगैरह आते हैं ना तो एक और ड्रीम इलेवन टीम बना के शेयर करते हैं हम लोग आपके लिए, बट वो करते हैं हम ड्रीम इलेवन पर, तो सॉरी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज़रूर उसके बाद ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो बैटिंग फर्स्ट करने पर यहाँ पर देखोगे 67% चांसेस होते हैं मैच जीतने के, वहीं बैटिंग सेकंड करने पर 33%। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 190 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 170। तो आप देख सकते हो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी ना वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज़ करने वाले, क्योंकि आप देख सकते हो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 190 बट सेकेंड इनिंग स्कोर 170 है। साथ ही साथ 3 मैचेस में से ना 2 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम में, तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चेजिंग का एवरेज स्कोर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा कम है, सेकेंड इनिंग्स का 170 है, और जैसा कि हमने पिच रिपोर्ट में पढ़ा था कि बाउंड्रीज छोटी हैं और साथ ही साथ फास्ट आउटफील्ड है और 200+ स्कोर बन जाता है आराम से। तो यहाँ पर ना बैटिंग फर्स्ट करने का ही ज़्यादा फायदा है, चेज करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ही चूज़ करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, विनिंग प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो गाइज इस मैच में जो कि WPL 2023 का 8th मैच है, इस मैच में यूपी वॉरियर्स के मैच को जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि यूपी वॉरियर्स ने WPL में अब तक 2 मैच खेले जिसमें से 1 उसने जीता, 1 हारा है, बट RCB ने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों मैचेस हारे हैं। बट इस मैच में एक और सिचुएशन है चेज करने वाली, क्योंकि इस ग्राउंड पर चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बैटिंग फर्स्ट करती है ना टीम तो 200 आराम से बना लेती है, पहुँच जाती है, बट चेस करने में ना थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल होती है। वही सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कि चेस करना, अगर 200 का टारगेट दे दिया फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने ना तो आप समझ लेना कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ही जीतने वाली है, क्योंकि 200 चेस करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो जहाँ पर हमने आपके साथ शेयर की है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ WPL 2023 का ये मैच था 8। अब मिलेंगे हम आपसे 9th मैच की वीडियो में। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेना।